बात करते हैं आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक की हुई गिरफ्तारी की। सरायकेला के आदित्यपुर थाना की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध जारी अपनी कार्रवाई के तहत आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इमरान अहमद जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर का निवासी है, जो ब्राउन शुगर बेचने का अवैध धंधा करता है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को पकड़ा है। गिरफ्तार युवक मानगो के आजाद नगर का निवासी इमरान अहमद है, जो खुद ब्राउन शुगर का सेवन करने के साथ ही उसकी बिक्री भी करता है। आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे ने शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती के एच रोड के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम मुस्लिम बस्ती इमामबाड़ा के पास पहुंची तो वहां मौजूद कुछ युवक भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर उनमें से एक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 58 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। पकड़ाए इमरान ने खुद को मानगो आजाद नगर का निवासी मोहम्मद इमरान बताते हुए स्वीकार किया कि वो खुद ब्राउन शुगर लेने के साथ ही उसकी अवैध रूप से बिक्री भी करता है। थाना प्रभारी ने बताया कि ब्राउन शुगर के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। छापामारी अभियान में थाना प्रभारी के अलावा सब इंस्पेक्टर सतवीर सिंह, मकसूद अहमद, सुमन कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह तथा संजीत कुमार आदि शामिल थे। कल दिनांक 15/4/2022 को मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचने और लेने के इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसी संबंध में हम लोग एक टीम गठित किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, और हम लोग रेड किए तो वहाँ पे कुछ लड़के लोग देखकर भागने लगे। उसी में पकड़ा गया और एक लड़का पकड़ा, जिसके पास से हम लोग 58 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किए और उसी संबंध में उसको जेल भेजे। हाँ, पूर्व में भी ये बैटरी चोरी के टेम्पू बैटरी चोरी में जेल गया है, और पूर्व उसमें भी ये ब्राउन शुगर का धंधा करता था और ब्राउन शुगर पीता भी था और बेचता भी था। इसका नाम है इमरान अहमद, पिता स्वर्गीय अली अहमद, रोड नंबर 10 आजाद नगर थाना आजाद नगर जमशेदपुर का रहने वाला है। दिनभर के ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।